रमेश बाबू की सुबह सुबह की नींद खुली ही थी कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर की आन बान और शान। वेलकम टू इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क द आमेर पैलेस विच इज ऑल्सो नोन एज आमेर फोर्ट। हाई गाइज, दिस इज प्रदीप एंड यू गाइज आर वॉचिंग माई चैनल प्रदीप दिल से, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल पैलेस। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। चलिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक किला भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अनोखा एग्जाम्पल है। कछवाहा और राजपूत राजा मानसिंह प्रथम ने 1589 में इस किले की नींव रखी थी। फिर धीरे धीरे इस किले का विस्तार उनके उत्तराधिकारी राजाओं ने करवाया। साल 1727 में ये फोर्ट कंप्लीट बनकर तैयार हुआ और उस वक्त के राजा थे सवाई जयसिंह। आमेर फोर्ट में एंट्री करने के साथ ही सबसे पहला जो आपको दिखाई देता है वो है दिलाराम बाग। कहा जाता है आमेर किले को बनाने के लिए राजा मानसिंह ने जिस आर्किटेक्ट को काम दिया था उनका नाम दलाराम था, जिनके नाम पर ये बाग का नाम रखा गया। राजा अकबर जब पहली बार आमेर आए थे तो उन्होंने इसी गार्डन में आराम फरमाया था, तो उन्होंने इसे दिल आराम बाग का नाम दिया। तब से इसे दिलाराम या दलराम दोनों नाम से जाना जाने लगा। गार्डन में फाउंटेन भी लगे हुए हैं और यहाँ पर जो छतरियाँ बनी हुई है वहाँ से मावटा झील का जो दृश्य है वो बहुत ही अनोखा और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। गार्डन से महल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप कोई 3D मूवी देख रहे हो, तो गार्डन बेहद ही खूबसूरत है। महल पर जाने के लिए चार रास्ते हैं। एक रास्ता है वो इस तरफ से जाएगा, यानी कि सूरज पोल जो गेट है वहाँ से जाएगा। दूसरा रास्ता जीप का ऑप्शन है जो आपको चांद पोल गेट, मतलब इस महल के बिहाइंड की तरफ एक और गेट है वहाँ से जाएगा। तीसरा रास्ता जो है वो गोल्फ से, जो गोल्फ कार है उससे जाएगा। एक रास्ता और है मतलब हाथियों के लिए चलने के लिए, तो आप अगर हाथी से जाना चाहते हैं तो वहाँ से वो रास्ता हुआ, तो वहाँ से वो हाथी जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर, और अभी आगे चल के और वीडियो में दिखाएंगे, तो हाथियों के जाने के लिए और रास्ता है। तो बेसिकली चार रास्ते हैं जाने के लिए महल में। तो अभी हम लोग हैं पैदल वाले रास्ते पे चल रहे हैं, तो आगे चलिए पैदल वाले रास्ते से आपको दिखाते हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है राजस्थान में, और राजस्थान में जब मानसून दस्तक देता है तो राजस्थान से ज़्यादा अच्छी जगह कोई घूमने की नहीं है। गर्मियों के बाद फिर से एक ठंडक वाली जो महसूस करने वाली जो चीज़ है वो राजस्थान में मानसून, और मानसून में इस जगह की खूबसूरती एकदम शानदार हो जाती है। अरावली की जो पहाड़ियों के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी ग्रीन हो चुकी है, और जो महल है वो बीचों बीच अरावली की पहाड़ियों में, तो ये नज़ारा है ना बहुत ही शानदार है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये पूरा जीप वाला रास्ता है, प्राइवेट से भी आ सकते हो। हाँ, अपनी कार से भी आ सकते हो। ये जो रास्ता है ये हाथियों के जाने का रास्ता है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अभी हाथी ये जो है आ रहे हैं। इनका चार्ज है वो नीचे जाके जहाँ से बुकिंग काउंटर है वहाँ से होता है। ये जो हाथी का चार्ज था ना सवारी का, वो लगभग 1100 रुपये है जो ऊपर ले जाके छोड़ देगा, अगर नीचे आना है तो वापस 1100 रुपये आएगा। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। महल में लगभग चार बड़े कोर्टयार्ड है, इन चारों कोर्टयार्ड को हम एक एक करके कवर करेंगे। पहले के समय में राजा सूरजपोल गेट से ही एंट्री लिया करते थे, वो भी हाथी से, और आज भी सुबह 8 से 11 बजे के बीच में हाथी इसी दरवाजे से एंट्री करते हैं। महल में प्रवेश करने के लिए दो द्वार है। ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं इट्स कॉल्ड सूरजपोल, जो कि राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पे पड़ती है, और पोल का मतलब होता है गेट, इसलिए इसे सूरजपोल कहते हैं।
सूरज पोल के जस्ट अपोजिट में जो गेट आप देख रहे हैं जिसे चांद पोल गेट कहते हैं, ये जो गेट था ये उस समय जो आम जनता होती थी उनके लिए उपयोग में लेने वाला गेट था ये। यानी कि जो सूरज पोल था वो राजा के लिए होता था और जो चांद पोल गेट था वो आम जनता के लिए यूज लिया जाता था। अभी जो आप कोर्टयार्ड यानी कि जो आंगन देख रहे हैं ये उस ज़माने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था, और यहाँ पर जो सामने आपको छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं वो उस समय घोड़े रखने के लिए अस्तबल हुआ करते थे। मंदिर के पिछले वाले भाग में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको नाहरगढ़ का व्यू भी देखने को मिलेगा, और 12 किलोमीटर जो पूरी बाउंड्री वॉल बनाई गई है फॉर द सेफ्टी पर्पस वो आपको दिखाई देगी, और छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे। कहते हैं आमेर में 365 मंदिर है और इसलिए इसे छोटी काशी का भी दर्जा दिया गया है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पहले के समय में अस्तबल हुआ करते थे, फिलहाल के लिए यहाँ पर टिकट काउंटर बना दिया गया है जहाँ से अभी हम टिकट लेंगे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिंह पोल जिसे लायन गेट भी कहते हैं। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सिंह शक्ति का प्रतीक है इसलिए वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को सिंह द्वार भी कहा गया है। सो बेसिकली यहाँ से महल की एंट्री है और यहाँ से जो पूरा महल अंदर से किस तरीके से है वो स्टार्ट होता है। महल के गेट के पास में ही प्रसिद्ध शीतला माता का भी मंदिर है। इस महल की जो एंट्री और एग्जिट है वो सीधी ना होकर एक घुमावदार एंट्री दी गई है फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, और जो गेट है सिंह पोल है उसके ऊपर खूबसूरत पेंटिंग करी गई है जो वेजिटेबल कलर्स यूज किए गए हैं जिसे फ्रेस्को पेंटिंग भी कहते हैं। अंदर एंट्री के साथ ही आपको दूसरा कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा जिसका निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। ये पहली एंट्री है और एंट्री के साथ ही आपको देखने को मिलेगा दीवाने आम, यानी कि जो कोर्टयार्ड होता था पहले की, जो जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती थी जो न्याय दिलाया जाता था वो यहीं दिलाया जाता था। पहले के समय में राजा और मिनिस्टर इसी जगह पर बैठा करते थे और बाहर की ओर जो एरिया है वहाँ आम जनता, इस जगह पर बैठकर राजा आम जनता के लिए न्याय करते थे। इसकी छत पर लोहे के कड़े लगे हुए हैं जिन पर गर्मी में बचाव के लिए पर्दे लगाए जाते थे। यहाँ टोटल 48 पिलर्स आपको दिखाई देंगे जिसमें 16 पिलर वाइट मार्बल के हैं और बाकी के 32 जो पिलर है वो रेड सैंड स्टोन के हैं। ये जो जगह है ये है 27 कचहरी। इस जगह पर जितने भी 27 सामंत होते थे, मतलब राजा के अंडर में जो रियासतें, छोटी रियासतें आती थी, उनके जो लोग थे वो यहाँ बैठा करते थे और राजा को यहाँ पर कर दिया करते थे। यानी कि जो कर होता था वो आधा खुद रखते थे और आधा राजा को दिया जाता था। तो ये जो पूरे है ये 27 लोगों को बैठने के लिए एक प्रॉपर जगह दी गई थी, इसीलिए इसे 27 कचहरी कहते हैं। इस कचहरी के किनारे से किले का फ्रंट व्यू देखने को मिलता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है सैफ्रन गार्डन यानी कि केसर क्यारी। राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाकर यहाँ लगवाए थे, और केसर को लगाने के लिए उन्होंने इस झील का निर्माण कराया था जिसे मावटा झील भी कहते हैं। लेकिन केसर यहाँ लग नहीं पाई बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि केसर जो है उसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, यानी कि ठंडे प्रदेशों में ही लगती है। बाद में इसे बाग में बदल दिया गया। अगला जो पॉइंट है वो है हमामगर टर्किश बाथ, और ये जो है अरबी भाषा के इस शब्द का इस्तेमाल स्नान घर के लिए किया जाता है। सभी महलों और किलों में हमाम की सामान्यता व्यवस्था हुआ करती थी। आमेर महल की दीवाने खास की उत्तरी दिशा में स्थित इस हमाम में राजा और राज परिवार के स्नान किया करते थे सदस्य। इसमें ठंडे व गर्म पानी के लिए अलग अलग हौज बने हैं। कपड़े बदलने और मालिश करवाने के लिए कक्ष भी यही है। पास में ही शौचालय है। हमाम के बाहरी भाग में पानी गर्म करने के लिए कलात्मक चिमनी बनी हुई है। हमाम में जाने के लिए शीश महल से सीधा रास्ता है। बहुरंगी आराइश से सजा यह हमाम तत्कालीन वास्तु शैली का सुंदर उदाहरण है। तो आओ आपको गीजर दिखाते हैं, उस समय का जो गीजर हुआ करता था। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी उस समय में। यहाँ पर ये एक गीजर होता था, यहाँ से लकड़ियाँ जलाई जाती थी और यहाँ से गर्म पानी होके अंदर जाता था। ये पूरा का पूरा अंदर जो गर्म पानी जाता था वो इसी के थ्रू गर्म होके आगे जाता था। तो चलो आप आगे दिखाते हैं। और ये पूरा धुआं निकलने का था, गाइड साहब ने बताया, और बेसिकली है भी ये, यस, पूरा नीचे से धुआं निकलने के लिए है।
आओ। ये जो जगह हुआ करती थी, ये टॉयलेट है बेसिकली, पुराने जमाने के जो टॉयलेट हुआ करते थे वो है। एंड ये भी एक छोटा रूम बना हुआ है, पता नहीं चेंजिंग रूम ही लग रहा है। और इधर आइए बाहर, पूरा पेंटिंग वगैरह से सब कुछ करा हुआ है। ये एक छोटे छोटे रूम बनाए गए हुए हैं। ये राजा रानी के लिए नहाने के लिए एक तरीके छोटा हौज कह सकते हो। ये खिड़कियां पूरी लगाई गई है ताकि यहाँ से ठंडी हवाएं आ सके। अभी भी काफी अच्छे से हवा आ रही है इसमें। तो ये पूरे पाइप है, यहाँ से पानी आया करता था। आप देखो, ये देखो, ये पाइप बने हुए हैं और पानी यहाँ आता था पहले, ठीक है। अंदर अगर आप देखोगे थोड़ा सा, और अगर कैमरा डाउन करो, यहाँ से पानी आता था और ये पूरा यहाँ से इकट्ठा होके इधर से भी निकलता था और अंदर से भी निकलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो बाथरूम की दीवार है उसको 5 मटेरियल यूज करके बनाया गया था। उड़द की दाल, मेथी, गुड़ का पानी, नेचुरल गोंद और मुल्तानी मिट्टी, इन सब को लाइम के अंदर मिलाकर 4 से 5 घंटे रखकर फिर इसका पेस्ट इस दीवार पर लगाया गया था, जो कि दीवारों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रखती थी। यहाँ पर ये गर्म पानी का टैंक हुआ करता था, तो गर्म पानी जो है इधर से पूरा आता था, इधर से जो है ये ठंडे पानी का टैंक हुआ करता था, तो यहाँ से ठंडा पानी इकट्ठा होकर नीचे से निकलता था। और ये जो नीचे जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से पूरा गर्म पानी का एक बाउंड्री बन जाती थी। और ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर आपको रानी की, जो राजा रानी होते थे उनकी जो मसाज की जाती थी, ये चेंजिंग रूम था एक। तो इससे उस जमाने में चंदन घिसा करते थे ताकि राजा रानी जो आराम से अच्छे से नहा सके, खुशबूदार पानी से नहा सके। तो अभी अपन चलते हैं दिस साइड, और यहाँ पर एंट्री पे आप देख सकते हो भगवान श्री गणेश की पेंटिंग बनी हुई है। और ये जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो, ये फ्रेस्को पेंटिंग्स कहलाती थी, यानी कि ये प्योर वेजिटेबल जो होती थी उनका कलर यूज़ किया जाता है। अभी तक भी ये एकदम सही तरीके से दिख रही है, यानी फेड नहीं हुआ। और बेसिकली ये जो पोल है, ये गणेश पोल है, गणेश पोल कहते हैं इसे। एंड लुक एट द डिज़ाइन, कलर्स, बहुत ही अच्छे से कलर्स का यूज़ किया है और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स कर रखी है इस जगह। सो ये है गणेश पोल, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान गणेश को दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। इसलिए परंपरा अनुसार भवन के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश को स्थापित किया है। गणेश पोल के प्रथम तल पर सुहाग मंदिर है, यानी कि जो ऊपर है वो एक सुहाग मंदिर है, जिसकी जालियों के पीछे से रनिवास की महिलाएँ दीवाने आम में होने वाले राजनीतिक कार्यों को देखा करती थी। बेसिकली यहाँ से जो रानियाँ हैं वो जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, तो वो जाली से, यानी कि सुहाग मंदिर है, वहाँ से देखा करती थी। ये जो एरिया है आप मेरे इस सड़क, मतलब गणेश पोल के साइड में जो देख रहे हो, ये कहलाता था रसोई घर, यानी कि ये जो एरिया है। महल में 2 स्थानों पर रसोई घर थे, एक भोजशाला के निकट और दूसरा महल के बाहर। पश्चिम भाग में त्रिपोलिया गेट के समीप भोजनशाला में राजा, उनके मित्रों तथा मेहमानों के लिए पहले रसोई घर में भोजन बनता था। दूसरा रसोई घर महल में कार्यरत सहायकों के लिए काम में आता था। कुशल रसोइयों द्वारा बनाए भोजन में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार के व्यंजन शामिल थे। इन्हें पकाने के लिए कई मुंह वाले चूल्हे होते थे। सो बेसिकली ये रसोड़ा है और इधर ही हुआ करता था। अभी अपन एंट्री करते हैं गणेश पोल में।
किले के इस हिस्से को कहा जाता है दीवाने खास। दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों और दूसरे शासकों के राजदूतों से मिला करते थे। दीवाने खास में चार इमारतें आती है। पहली शीश महल, इसके ऊपर है जस मंदिर और सुहाग मंदिर, और शीश महल के ठीक सामने है सुख महल। शीश महल को जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महल के इन दरवाजों पर पहले के समय पर्दे लगाए जाते थे। उस जमाने में पूरी दुनिया को ग्लास बेचने वाला एकमात्र देश था बेल्जियम। राजा जयसिंह ने 1634 में बेल्जियम से ग्लास मंगवाए और लोकल कारीगरों की मदद से इस खूबसूरत महल का निर्माण कराया। छत पर जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं उसमें जो गोल्डन लाइन दिख रही है वो सारा रियल गोल्ड है। ऐसा कहते हैं कि रात में जब यहाँ मशाल जलाई जाती थी तो पूरा महल तारों की तरह चमक उठता था। राजा जयसिंह की एक रानी का बेडरूम इस शीश महल के दाईं ओर है और दूसरी रानी का बाईं तरफ। ये जो शीश महल है यहाँ पर राजा जो है अपने राजदूत या खास लोगों से ही मिला करते थे। आप देख रहे हो ये शीशा, वहाँ से अगर उसको देख रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वहाँ से वो नज़र आऊँगा पूरा का पूरा। यूं तो महल में कुल मिलाकर 99 शौचालय बने हुए हैं। महल के विभिन्न भागों में शौचालय बने हुए हैं। शीश महल एवं मानसिंह महल के मध्य स्थित शौचालय राजा व राज परिवारों के सदस्य द्वारा प्रयोग में लिए जाते थे। इनमें गर्म व ठंडे जल की आपूर्ति की व्यवस्था के साथ साथ रोशनी के लिए मशाल लगाने की भी व्यवस्था है। अभी आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक छतरी है। राउंड बाहर से देखोगे तो आपको एक पूरा एक पिलर जो होता है गोल स्ट्रक्चर का वो दिखेगा। यहाँ जालियाँ लगाई गई है। दीज आर द टॉयलेट्स, पहले के ज़माने के जो टॉयलेट है। इधर वेंटिलेशन के लिए मतलब पूरा एक ओपन कर रखा है एंड पानी के लिए ये पूरा एक है। सो गाइज ये जो जगह थी यहाँ पर पानी खींचा जाता था। आप देखो पूरा ऊपर यानी कि जो मावठा था वहाँ से जो पानी है वो महल के ऊपर तक कैसे ले जाया जाता था तो इसको पूरा एक घुमाया जाता था एंड वाटर लिफ्टिंग पहले पानी आता था तो ये पूरा पानी इस तरीके से निकाला जाता था केसर कैरी से। तो उस टाइम पे भी टेक्नोलॉजी आप कह लो इतनी एडवांस थी कि नीचे से पानी कैसे ऊपर लाया जाए वो पूरा सिस्टम इन लोगों ने डेवलप कर रखा था। चलो आओ, अभी मैंने आपको दिखाया जो पानी लिफ्टिंग वाला सिस्टम था वो इधर ही है। टॉयलेट, पानी लिफ्टिंग सब एक जगह एक एरिया में किया गया है ताकि पानी का यूटिलाइजेशन हो सके। ये जो जगह दिख रही है ना आपको, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मुझे इस जगह को देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर झूले वगैरह लगाए जाते थे। और ये देखो बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये झूले वगैरह लगाए जाते क्योंकि पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, ऊपर से आयरन के जो कॉर्नर्स होते थे उनको मजबूती दी गई है यहाँ से। तो बेसिकली ये रास्ते जो थे रानियों के लिए यूज किए जाते हैं ताकि उनको कोई देखे ना। और अभी हम जा रहे हैं कौन सा मंदिर था वो, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर। तो ये है सुहाग मंदिर। ये सुहागन महिलाओं के बैठने का स्थान हुआ करता था और अनमैरिड और विडो लेडीज को यहाँ आने की परमिशन नहीं होती थी। राजा जब भी युद्ध के मैदान में जाते थे तो रानी उनके लिए यहाँ अखंड जोत जलाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। जब राजा सकुशल आते थे तो रानी इसी खिड़की से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। सुहाग मंदिर से ही एक रास्ता जस मंदिर की तरफ भी जाता है। फिलहाल के लिए जस मंदिर गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है और सिर्फ यही एक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही एक व्यू आपको देखने को मिलता है।
सो ये महल है और आपने अभी सुहाग मंदिर देखा है। इसके बाद हम चलेंगे सुख महल की ओर, जहां हम आपको दिखाएंगे कि पहले के समय में गर्मी से निजात पाने के लिए कैसा सिस्टम हुआ करता था। तो चलो देखते हैं सुख महल। हमला होने वाला है, आक्रमण दुश्मन पे, ठंडे का हमला होने वाला है राजा साहब, दुश्मन की सेना से। तकलीया अच्छा था, दुश्मन की सेना से तकलीया। इसमें बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से बने हुए, जिन पर हाथी दांत की पच्चीकारी का काम हुआ हुआ है। तो अभी वो देखते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सुख महल, जिसे प्लेजर ऑफ पैलेस भी कहते हैं। इस महल को भी संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था। दोपहर में गर्मी के समय शाही परिवार के आराम के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। इसके पीछे की दीवारों पर मार्बल का एक झरना भी बना हुआ है, जो छत पर बनी हुई टंकी से कनेक्टेड है। जब पानी फ्लो होता रहता है तो यहाँ हवा के साथ पानी टकराता है और गर्मियों में ठंडक का एहसास रहता है। यह पानी गार्डन में भी फ्लो होता है। खास बात इस महल की यह है कि इस महल के जो दरवाजे थे वो चंदन की लकड़ी के बने हुए थे, जिसके ऊपर हाथी दांत से नक्काशी की गई थी। तो सुख महल के अभी हमने दर्शन नहीं, सुख महल का सुख ले लिया है। फिर से हम अपने क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे राज उसमें राजशाही भाषा में यार, ऐसा ऐसा घर और ऐसा महल होना चाहिए, लेकिन इसको बनने में ही 130-130 साल। हाँ, तो इतने साल में तो फिर ये देखिए, ये पुराना महल था बेसिकली। ये सर ये पुराना महल है, रानियों का है। ये पूरे रूम्स है ऐसे देखो, एक दरवाजा मेरे पीछे इधर से है, एक दरवाजा ये हो गया और एक दरवाजा पीछे से ये हो गया। और फिर इधर से फिर आकर ये पूरा चौक में ये ओपन हो जाता है। महल के इस भाग में राज परिवार की महिलाओं का निवास स्थान था, जिसमें राजमाता और रानियों के अतिरिक्त उनकी सेविकाएं भी रहा करती थी। यानी कि ये जो जगह है, यहाँ पर रानियां रहा करती थी। राजमाता और रानियों के पास प्राय बड़ी बड़ी जागीरों का स्वामित्व हुआ करता था, जिनका संचालन यहीं से होता था। प्रमुख रानियों में रानी श्रृंगार दे कनकावत, कांगड़ा की रानी महादेवी कटोच एवं रानी चंद्रावत थी। रानी श्रृंगार दे कनकावत द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर का प्रसिद्ध जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया। रानी महादेवी कटोच ने पूरी अच्छा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के तोरण द्वार बनवाए थे। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी नई है कि तोरण द्वार जो है वो यहाँ की रानी ने बनवाए थे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में। ये पटरानी का है, फिर से गाइड की बात सुनी है हमने, ये जो है पटरानी का कक्ष था। अब हम किले के फोर्थ कोर्टयार्ड में चलेंगे। किले के इस हिस्से को जनाना महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह की 12 रानियां थी और उन 12 रानियों के लिए उन्होंने 12 अपार्टमेंट बनवाए थे। सभी रानियों के अपार्टमेंट एक जैसे ही बने थे। अपार्टमेंट में आपको कॉमन हॉल नजर आएंगे और दीवारों पर आपको खूबसूरत पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। कोर्टयार्ड के हर एक साइड में 3 रानी के अपार्टमेंट बने हुए, तो इस तरह आपको चारों दिशाओं में अगर आप देखोगे तो 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उस समय एक रानी को दूसरे रानी के महल में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। ये जो महल आप देख रहे हो, यही महल था जो सबसे पहले बना था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे राजा बनते गए वैसे वैसे विस्तार होता गया। तो ये जो महल है, राजा मानसिंह ने 1589 से 1614 ईस्वी द्वारा निर्मित मानसिंह महल सन 1599 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में लगभग 25 साल लगे। प्रारंभ में इसे संपूर्ण महल के रूप में बनवाया गया था। महल के मध्य में बड़ा चौक है, जिसे बीच में एक सुंदरी बरादरी निर्मित है। ये चौक हो गया और इसको बरादरी कहते हैं, ये बनाई हुई है। महल की निचली में ऊपरी मंजिलों में कक्ष बने हुए हैं, जिनमें एवं जिनके छज्जों के नीचे आकर्षक भित्ति चित्र अंकित रहे। सबसे ऊपर के कमरों में दीवारों पर चित्रों के साथ साथ बहुरंगी टाइलें भी लगी हुई है। तो ये ऊपर जाने के लिए तो अभी अलाउ नहीं है, बाकी आप देख सकते हो ये ड्राइंग करी हुई है पूरी दीवारों के ऊपर। तो ये मानसिक महल है, मानसिक महल कहते हैं इसे, राजा मानसिंह का जो महल था, और ये बरादरी है इसकी, और दिस इज कॉल्ड कॉमन एरिया। और यहाँ पे भी आप देखोगे उर्दू में लिखा हुआ है,
ये उर्दू में लिखा हुआ है एंड आप यहाँ पढ़ो। सुल्तानों को पनाह देने वाले शहंशाह दीन और दुनिया के जलाल मोहम्मद अकबर बादशाह, खुदाए बुजुर्ग उनका मुल्क हमेशा कायम रखे, के ज़माने में बुलंद आदेश देने वाले और अपने साम्राज्य की ईमानदारी और इंसाफ से बुनियाद रखने वाले महाराज राजा मानसिंह, पुत्र राजा भगवान दास, पुत्र भारमल, पुत्र राजा प्रीति, राज कछवाहा उनका इकबाल कायम रहे। तारीख माह जिल हिजाज सन 1008 में स्वर्ग जैसी यह इमारत 25 साल की मुद्दत में निहायत सलीके और तरीके के साथ मुकम्मल हुई तथा कुशलतापूर्वक सजाई सवारी गई है। जिस प्रकार आसमान हमेशा बारिश से भरा रहे, महाराज की उम्र व दौलत की बुनियाद यह इमारत भी हर प्रकार से नुकसान से खाली रहे। मैं यहाँ पर दो बार आ चुका लेकिन ये ऊपर जाने का मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। चलो ऊपर चल के मैं दिखा देता हूँ। अभी मुझे ऐसे लगा था कि ऊपर जाना अलाउ नहीं है। ये इस तरीके के रूम बने हुए हैं यहाँ पे। इधर से भी एक रास्ता है, यहाँ चलते हैं। यहाँ से निकल के आप उधर नीचे उतर जाओगे। नीचे उतर जाएंगे, क्या बात है यार ये। चलो ये इस तरीके के जो गेट्स थे वो पहले हुआ करते थे यहाँ पर, और काफ़ी सॉलिड गेट लग रहा है, और जो इसके ऊपर नक्काशी करी हुई है बहुत ही शानदार तरीके से करी हुई है। तो अभी हम फ्रंट में आ गए, उसके फ्रंट में आ गए, फ्रंट में। ये सब रूम एक जैसे ही तो कनेक्टेड है। चल, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है और लगभग आपको 2 घंटे तो लग जाएंगे इस महल को एक्सप्लोर करने में। गाइड के साथ आप करोगे तो वो बहुत जल्दी 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 ले जाके आपको ये बता देगा, ये होता है, ये ऐसे होता है। आप अपने हिसाब से, हाँ, अपने हिसाब से अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आप खुद समझ ही जाओगे कि ये क्यों बनाई है। बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे हर जगह से, बाहर जो भी है वहाँ पर पूरा एक पत्थर के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है, तो आप उससे आइडिया लगा लेना। ये इधर से सुरंग जाने का रास्ता है। तो मध्यकालीन किलों व महलों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सुरंग बनाई जाती थी। इनका उपयोग सुरक्षा तथा महल के गुप्त रूप से प्रवेश एवं निकास हेतु किया जाता। आमेर महल के पश्चिम भाग में स्थित यह सुरंग जयगढ़ तक जाती है। यह रंग महल के कुछ पहले तक भूमिगत है। इसके अलावा यह भूमि की सतह से ऊपर आ जाती है और इसकी लंबाई में छत नहीं है। महल क्षेत्र में वस्तुतः यह सुरंग महल की पश्चिमी मुख्य दीवार की नींव से बनती है। इसमें मानसिंह महल, दीवाने खास, जनानी डोरी भागों से प्रवेश करने के लिए रास्ते बने हुए हैं। सुरंग में रोशनी हेतु मशाल लगी रहती थी पहले, तो एक बार देखते हैं अंदर। तो अभी हम फिलहाल सुरंग के अंदर जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो आपको दिखाते हैं अंदर से कि सुरंग पहले के ज़माने में कैसे हुआ करती थी। फिलहाल के लिए मैं सुरंग में प्रवेश कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि सुरंग जो थी वो पहले के ज़माने में कैसे बनाई जाती थी। उस समय की ये जो सुरंग थी ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ की जाती थी, और अभी ये आम जनता के लिए ओपन कर दी गई है। इसको ये इस तरीके की कुछ सुरंग हुआ करती थी जो जयगढ़ तक जाती थी। तो जब ये सुरंग के बारे में पता चला था तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस सुरंग की काफ़ी साफ सफाई करी थी, क्योंकि पहले मतलब बंद थी ये, तो वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर लंबी लंबी खिड़कियां दी है। और ये जो सुरंगें थी ये एक तरीके का पास हुआ करता था कि बचकर निकल जाए। आपको याद है जो अपनी जोधा अकबर मूवी थी, जोधा अकबर नहीं, पद्मावत, उसमें भी ऐसी एक सुरंग से जब पीछे के रास्ते से निकलते तो बेसिकली ये वो पीछे का रास्ता हुआ करता था, जिससे दुश्मन को पता नहीं लगता था कि राजा और जो
इम्पोर्टेंट सदस्य होते थे वो कहाँ गए। मेरी जो हाइट है वो बिल्कुल टच हो रही है, तो आपको झुक कर ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। देख लो देख लो। तो इस तरीके का जो पहाड़ है ये रास्ता पूरा चढ़ता 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 वहाँ तक जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी इस वक्त हम खड़े हैं, ये जो सुरंग जा रही है ये आमेर से जयगढ़ के लिए जा रही है। हमने अभी प्राण भी निकल गए, लेकिन हमने अभी प्लान यहीं ड्रॉप कर दिया है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रदीप दिल से। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।